नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या से, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को है। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही हैं। किस तरह की तैयारियां की गई है और मंदिर निर्माण के दौरान किन किन खास बातों को ध्यान में रखा गया है? मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। भगवान राम के भक्तों का 500 साल पुराना इंतज़ार खत्म हो रहा है और वो तारीख है 22 जनवरी, जब भगवान राम अपने घर में विराजेंगे। जो घर बन रहा है भगवान राम का, उस घर के पीछे मंदिर निर्माण समिति का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जिस शख्स की बात किए बिना इस पूरे निर्माण की बात नहीं हो सकती, वो शख्स है नृपेंद्र मिश्रा। बहुत सीनियर IAS अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के बाद सर ने जो मंदिर है उस पर बहुत काम किया। सर, मैं लगातार आपसे मिलता रह रहा हूँ। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो थी सर, जब आपसे मंदिर निर्माण ट्रस्ट निर्माण समिति बनी थी, उस वक्त आपके सामने बहुत टेंशन थी, बहुत चुनौती थी, नींव कैसे बनेगा, मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन बहुत कम और रिकॉर्ड टाइम में ये जो काम हुआ है। सबसे पहले मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ कि इस चुनौती को जो आप लोगों ने पूरा किया, वो कैसी फीलिंग है आपके अंदर अभी? एक अकेला जुनून था कि मंदिर का निर्माण होना है। विशेष रूप से जब उच्चतम न्यायालय ने सर्वाधिक कठिन निर्णय संभवतः जुडिशरी के कार्यकाल में, ऐसा निर्णय जिसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, जिसका कि राष्ट्र के एकता में बहुत बड़ा योगदान हो, जिससे कि शांति व्यवस्था सदा के लिए हमने एक प्रकार से अपना लिया इन इश्यूज़ को लेकर के, तो फिर उसके बाद यह स्वाभाविक था कि जो उन्होंने अपेक्षा की है कि एक निर्माण समिति बनेगी, निर्माण समिति का एक अध्यक्ष होगा, तो उस ट्रस्ट के जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में उल्लेख हुआ उसके अनुसार मुझे यह कार्य दिया गया। मैं केवल यह कहूँगा और बहुत सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए ये एक तरीके से डिवाइन असाइनमेंट था। मैंने ये बात कही है, मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, क्योंकि मैं आशा नहीं कर रहा था कि यह कार्य या इस कार्य में मैं एक हिस्सा बन सकूंगा। स्वाभाविक है, क्योंकि आपने जैसा कहा, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके पीछे एक दुखद कहानी यह है कि 500 वर्ष क्या हजारों वर्ष में कोई न कोई जनरेशन हमारा गुजरता चला गया सपने देखते हुए कि भगवान अपने स्थान पर पुनः विराजित हो सकेंगे। आज के हमारे जनरेशन के लोगों, आपके लोगों ने भी देखा होगा कि वर्तमान में रामलला किस प्रकार एक अस्थायी निर्माण में हैं। जो आज की स्थिति है उससे भी खराब स्थिति थी आज से कुछ वर्ष पूर्व, जब टेंट में थे। तो ये सबके सपनों की, जो बीते हुए लोग हैं वह, जो वर्तमान में हैं वह, जो भविष्य में होंगे वह, सबका सपना साकार हो रहा है। ये लाइन शायद उसी सपने की गवाही दे रही है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से, आपने अच्छा किया शुरुआत किया कि यह लाइन, जबकि इन्हें मालूम है कि 23 तारीख को ये जो वर्तमान भगवान प्राण प्रतिष्ठित होंगे रामलला, उनका दर्शन कर सकेंगे, लेकिन ये किसी प्रकार से अपने को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इनको मंदिर का नहीं, इनको प्रभु की दर्शन करना है, और तो इसलिए 10 दिन 15 दिन पहले ये प्रभु का दर्शन जो है ये कर लिए। ये जहाँ पर हम आप चल रहे हैं, ये एक नया मार्ग है। यह मार्ग मंदिर मार्ग है, जो कि रामलला के मंदिर को जोड़ता है। यह लगभग 800 मीटर है। मैंने आपसे इसलिए भी अनुरोध किया
कि हम आप यहाँ पर मिलें, क्योंकि यहाँ जो एक आप ये निर्माण कार्य देख रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है। जो भी श्रद्धालु आएंगे वो पहले यहाँ मुड़ेंगे, ठीक है, उधर से एंट्री, उधर से आकर के यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ अपनी सभी वस्तुओं की जांच कराएंगे, स्कैनिंग मशीन होगी, वस्तुओं को जांच कराकर आगे एक निर्माण है जिसको कहते हैं पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर। तो वहाँ पर सुविधा केंद्र है श्रद्धालुओं के लिए, अपने सामान को लॉकर में जमा करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस आकर के यहाँ मिलेंगे और यहाँ से मंदिर की ओर जाएंगे। ये यद्यपि लगता बड़ा सरल है लेकिन ये है बहुत कठिन कार्य। इसके एक एक जो पैनल हैं, जो स्टील के पैनल आप देख रहे हैं और इसके ऊपर जो निर्माण कार्य जीआरसी का होगा, वो टेक्निकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग सलाह से बनाया जा रहा है। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट ने कैनेपी बनाई है, जिससे कि आने वाले दिनों में जब उन्हें वर्षा या जबकि एक तरीके से समर का होगा प्रभाव और उनको वह भी फेस करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में यहाँ वह राहत के लिए बैठ सकें, छांह ले सकें, उसके लिए यह निर्माण है। यह कार्य भी इसीलिए किया गया है कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। मैं देख रहा हूँ सर, जो कॉरिडोर है ये भी पिंक कलर से डिज़ाइन किया गया है कि मंदिर का एस्थेटिक्स जो है वो रास्ते में ही फील हो जाए लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। निर्माण का जो दूसरी तरफ सीमा है, इसकी जो बाउंड्री वॉल है, उसमें भी उसी प्रकार से कार्य किया गया है। हर पैनल, हर झरोखे में कुछ न कुछ जो है वो डिज़ाइन दे करके एक तरीके से जो पूरा राष्ट्र वर्तमान में राममय हो गया है, उसी कल्पना में यह सब निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। ये तो मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत बड़ा कार्य जो राज्य सरकार है उनके सहयोग से हो रहा है। जो आप अयोध्या में सड़कों का निर्माण कार्य देख रहे हैं, अन्य सुविधाएं हैं, सरयू नदी पे जिस प्रकार का पर्यटन संबंधी कार्य है, ये सभी कार्य राज्य सरकार कर रहे हैं। आपने सर इसकी बात कही, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे केबिन्स बनाए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है तो लोगों को जल्दी जल्दी भी सिक्योरिटी पॉइंट से चेक करके निकाला जाए, इसकी भी तैयारी यहाँ पे है। इसमें 16 मशीनें और इसमें कुल मिला करके आगे चल करके 32 केबिन होंगे। मतलब श्रद्धालुओं को दिक्कत भी ना हो और सुरक्षा से कोई समझौता भी ना हो, दोनों की यहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि 100% जो सामान लेके जाएंगे श्रद्धालु, उनको यहाँ आना ही है, उनकी जांच होनी है, इसलिए ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की आवश्यकता थी कि यहाँ पर उनको स्कैनिंग फैसिलिटी दी जाए। मैं तो सर यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और बचपन से यहाँ अयोध्या आता रहा हूँ। ये जो जगह जहाँ हम टहल रहे हैं ये बिल्कुल एक प्रोटेक्टेड एरिया था, जहाँ परिंदा भी पर ना मार सके, सीआरपीएफ की संगीनें तैनात हुआ करती थी। और आज इतनी जल्दी, मतलब 3 साल, अगर उसको भी 3 साल भी कहें तो ज़्यादा होगा, इतनी जल्दी काम हुआ है, किस किस तरह की चुनौतियाँ थी? देखिए 2020 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को इसका शुभारंभ किया, तो उस समय तुरंत ये वो 500 साल का इंतजार है। तो उस समय जब 5 अगस्त को शुभारंभ हुआ तो कोविड का प्रकोप था,
और कोविड के प्रकोप में ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि यहाँ आना जाना बड़ा कठिन था। हम लोग आए, L&T के कुछ अधिकारी और लेबर आए, लेकिन सही माने में निर्माण कार्य 2021 के जून जुलाई से प्रारंभ हुआ और तब से अब तक यह कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुआ। प्रथम चरण में हमने यह सोचा था कि पूरा ग्राउंड फ्लोर जो मंदिर का है उसको पूरा किया जाएगा। भगवान अपने गर्भगृह में पहुँचेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और 5 मंडप पूरे कर लिए जाएंगे। एक हिस्सा परकोटा का था, उसे भी पूरा किया जाएगा। ये लगभग निर्माण कार्य पूरा हो गया। अभी हम जहां जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं सर इतनी ज्यादा भीड़, मेरे ख्याल से कम 5-7 हज़ार लोग तो अभी यहां क्यू में खड़े हैं, रोड पे पता नहीं कितने होंगे। मैं और एक चीज़ और मैंने देखा, जगह जगह प्याऊ वगैरह भी बना हुआ है, तो आप लोगों का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ मंदिर निर्माण पे नहीं है, लोगों की सहूलियतों पे भी है और वो साथ साथ पैरेलल चल रहा है। ट्रस्ट के बहुत स्वयंसेवक हैं, ये सारी सहूलियतें भी चलती जा रही हैं जी। ऐसे स्वयंसेवक हैं जिनका एक मात्र, जिन्हें ट्रस्ट ने जिम्मेदारी दी है कि श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखें। अभी हम यह नहीं कहेंगे कि श्रद्धालुओं की सभी सुविधाएं पूरी हो गई हैं, अभी बहुत बाकी है, बहुत चुनौती है। और 23 जनवरी से ये चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी। आज जो आप जनसमूह देख रहे हैं, ये जनसमूह कई गुना बढ़ करके इनकी संख्या होगी और हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 23 जनवरी से 1 लाख लोग यहाँ दर्शन करने प्रतिदिन 1 लाख आएंगे, यानी एक महीने में 30 लाख, और ऐसे करें तो 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग राम मंदिर का दर्शन एक साल में करेंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं कि 2 से 2.5 करोड़ एक वर्ष में दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु आएंगे। उसके अनुसार जो सुविधाएं होनी हैं, बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सी चुनौतियों के लिए तो हम लोगों ने यह विचार किया है कि 23 जनवरी से जब अनुभव प्राप्त कर लेंगे तब हम उस पर नया कदम उठा सकेंगे, क्योंकि ये अप्रत्याशित भीड़ है और उनकी आवश्यकताओं का 100% अनुमान लगाना वो भी एक कठिन कार्य है। विशेष रूप से पूरे देश से लोग आएंगे। सर आप यकीन मानिए, हमें लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि क्या हम 23 तारीख को आ सकते हैं, कई लोग तो 22 तारीख के लिए एक्साइटेड हैं। अब हम पहुंच गए हैं सर उस जगह पे जहां सारा कार्यक्रम होना है। इस मंदिर के बारे में अगर आप कुछ बता सके कि किस तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, किस तरह का निर्माण कार्य आप लोगों ने कराया है। ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ से लगभग आप पूरे निर्माण कार्य को देख सकेंगे। जो यह आप पहली कंस्ट्रक्शन की स्थिति देख रहे हैं, ये परकोटा कहलाता है। परकोटा को समझाने के लिए आवश्यक है
कि मंदिर के चारों तरफ जो चहरदीवारी जिसको कहते हैं, परकोटा एक वेस्टर्न इंडियन शब्द जी, है जी। टेंपल्स में साउथ में भी साउथ होता है। साउथ में बहुत ज्यादा होता है। तो परकोटा के दो तीन कार्य हैं। परकोटा एक तो यह बाउंड्री तय करता है, दूसरा परकोटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि परकोटा की जो आउटर वॉल है ये पूरी लगातार बंद रहेगी और इनर वॉल जो है वो खुली होगी, इसमें परिक्रमा भी हो जाएगी। मंदिर की तरफ, इसलिए आपने बहुत सही कहा, इसमें परिक्रमा हो सकेगी। और इसमें एक और खास बात है, आपका चैनल है, आपके माध्यम से हम लोगों को पहुंच रहे हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि इसमें जो पैनल हैं उस पैनल पे ब्रॉन्ज में मर्यादा पुरुषोत्तम जो यहाँ पर जिनकी कि यहाँ पर एक तरीके से मंदिर में आप दर्शन करेंगे, उनके क्या क्या ऐसे संदेश थे, क्या क्या उनके जीवन में व्यवहार था जो कि समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक तरीके से एम्युलेट करना था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के ऐसे सभी गुण उन पैनल के जरिए हम दिखलाना चाहेंगे, ब्रॉन्ज के पैनल के जरिए, जिससे कि जो व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है वो उस पूरे समय में भगवान राम के प्रति जानकारी करे, भगवान राम की सोच करे, भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा। और भगवान राम को बिना उन पात्रों के पूरा नहीं किया जा सकता जो उनके वनवास काल में उनको मदद किए थे, तो उनकी मूर्ति भी यहीं पे होगी, उनके मंदिर भी यहीं होंगे। इससे जरा सा आप पीछे देखें जी, पीछे तो वो मंदिर है जी। ऐसे तो लगता है जैसे बहुत निकट है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप परकोटे से सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे जी। ये सिंह द्वार से हम समझाते हैं सर, सबसे नहीं, ये सिंह द्वार नहीं है जी, ये तो परकोटा का द्वार है। अच्छा, परकोटा द्वार जी। परकोटा से जब नीचे उतर करके प्लाजा है आपका, जैसे हम आप खड़े हैं, इस प्रकार का चबूतरा है जी। उस चबूतरे से 33 सीढ़ियां हैं जो सबसे सामने दिख रहा है, जो पहला नित्य उन 33 सीढ़ियों में आपके तीन एक तरीके से आशीर्वाद के लिए द्वार बनाए गए हैं। सबसे पहले तो सिंह द्वार है जी। तो उसका प्लेटफॉर्म है जी। जो कि सीढ़ियों पर दाएं और बाएं है। उसके बाद गज द्वार है जो उसके थोड़ा सा ऊंचाई पर है, और उसके बाद हनुमान जी और गरुण जी हैं जो कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं, क्लाइम कर लेते हैं, तब जब आप अंदर जाने की शुरुआत करते हैं, तब एक्चुअली अब आप मंदिर के मंडप में जाने लगे जी। मंदिर के पांचों मंडप में आपका प्रवेश व्यवहारिक हो गया, नित्य संभव हो गया। नित्य मंडप, गुरु मंडप जी, और जो बाकी पांच मंडप, नित्य मंडप, गुरु मंडप, रंग मंडप, ये आपके एक के बाद एक होंगे, एक दो तीन, और एक तरफ प्रार्थना मंडप, एक तरफ कीर्तन मंडप। तो ये पांच मंडप के जरिए आप अंदर जाएंगे। गुरु मंडप के समक्ष आप भगवान की श्रद्धा के लिए, अर्चना के लिए, अपना जो कुछ भी एक तरीके से आप समर्पण करना चाहते हैं, अपने जीवन के सभी जो मूल्य हैं उनकी पृष्ठभूमि में एक समर्पण की भावना से उनके समक्ष आप प्रस्तुत हो रहे हैं, तो वहाँ भगवान जो हैं वह आपको दिखाई देंगे। ये जो सर परिक्रमा मार्ग है, जो परकोटा है, ये 730 मीटर दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, यानी श्रद्धालु आएंगे तो लगभग पौना एक किलोमीटर जो है उनको परिक्रमा, ये 795 मीटर है जी, 795 मीटर की परिक्रमा है ये। और इसमें जो वस्तुएं इस्तेमाल हुई हैं, उदाहरण के लिए जो पत्थर, जो बंसी पहाड़पुर का स्टोन इस्तेमाल हुआ है, ये मोटा मोटी
जो मंदिर में स्टोन इस्तेमाल हुआ है उसका दुगना यहाँ पर उपयोग में, मतलब मंदिर निर्माण एक चुनौती थी और परकोटा जो है उसका डबल निर्माण, बहुत बड़ी चुनौती, डबल निर्माण हो गया उसका। परकोटे में 6 मंदिर हैं जी, जो कि 4 कोनों में है और 2 आमने सामने, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी। ये लोगों में एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो अन्नपूर्णा का है। अन्नपूर्णा का मंदिर वही है जहाँ एक समय जब ये सब कुछ भी नहीं था तो सीता रसोई की एक छोटी से मंदिर की स्थापना थी, उसको शक्ति के रूप में अन्नपूर्णा मंदिर बनाया गया है जिससे कि उसका रखरखाव हो सके। और उसमें यह व्यवस्था होगी कि भगवान का प्रसाद वहीं बनेगा और वही प्रसाद फिर भगवान को जो है भोग लगाया। सर, लोगों की क्यूरियोसिटी एक बात ये इस बात की है कि एक ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर हो सकता था, फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बनाने की जरूरत क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बहुत आपने सही कहा। शुरू शुरू में जब हम लोग आए जी ट्रस्ट, तो जो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था, हमारे आर्किटेक्ट सोमपुरा साहब चंद्रकांत जी, तो उन्होंने जो नक्शा बनाया था उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था जी। लेकिन उसके बाद सबकी कल्पना हुई कि रामलला तो ग्राउंड फ्लोर में होंगे, उसमें तो किसी प्रकार की विचार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह वही रामलला है जिसका एक स्वरूप वर्तमान मंदिर में है, जिसके बारे में सबकी श्रद्धा है कि वह प्रकट हुए, तो इसलिए वहाँ तो रामलला बनना है। लेकिन प्रायः लोग पूछते हैं कि राम के मंदिर में सीता जी जो शक्ति रूपा हैं उनका मंदिर ना हो, राम के साथ ना हो, ये कैसे संभव है? तो इसलिए यह उचित समझा गया कि फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार होगा, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और 2 भाई, उनके भाई शत्रुघ्न और भरत जी। हाँ, तो सब भ्राता हनुमान जी, राम जी, सीता जी, इनका राम दरबार होगा। और यदि श्रद्धालु नीचे से दर्शन करके प्रथम तल पे जाना चाहता है तो उसको जाने की अनुमति होगी। और सेकंड फ्लोर, दूसरे फ्लोर पे विशेष अनुष्ठान के लिए व्यवस्था रखी गई है। वह अनुष्ठान जो एक प्रकार से ट्रस्ट की अनुमति से, ट्रस्ट के स्पॉन्सरशिप में होगा और वहाँ आम श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो श्रद्धालु के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर एकमात्र ऐसे अनुष्ठान के लिए व्यवस्था रखी गई। तो कुल मिला करके आप देखें कि जो विचार के बाद एक रचना की गई मंदिर की, केवल यह नहीं था कि भव्य होगा इसलिए बनाया जाए, इसलिए था कि वो राम के जीवन के लिए आवश्यकता है, उनका जीवन। इसीलिए एक और चीज आपको, मुझे मालूम है कि वो पता होगी, मंदिर की जो लोअर प्लिंथ है जी, जो मंदिर का एक तरीके से लोअर प्लिंथ फाउंडेशन का जी, है उसमें राम कथा है। अच्छा। और वह राम कथा रनिंग फीट में करीब 800 रनिंग फीट है, उसमें इसी प्रकार 100 म्यूरल लगेंगे, वो पत्थर के होंगे जिसमें राम के कथा, राम के जीवन की पूरी जीवन की पूरी कहानी जी। इस विशेष रूप से वनवास की और उनकी अयोध्या लौटने की, चित्रकूट की यात्रा, ये सभी चीज़ें होंगी। और एक अपने में समझिए कि वो राम का एक प्रिय संदेश है, वो है सामाजिक समरसता। समाज के हर वर्ग के राम थे, जो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसीलिए हम सबका विश्वास है
कि हर धर्म के व्यक्ति को भगवान राम को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा थे। तो मर्यादा में कैसे यह होगा कि हम अमर्यादित हों? तो मर्यादा पुरुषोत्तम के भगवान के लिए वह 7 लोगों का मंदिर परकोटा से बाहर बनाया जाएगा, जो कि वन गमन में भगवान संपर्क में आए। सबरी, निषादराज जी, केवट जी, अहिल्या, अहिल्या इन सब का जटायु, और जी महर्षि वाल्मीकि इनकी होगी। जटायु जी तो लग गए जी, जी। जटायु जी तो यदि आप मंदिर पहुंचते तो आप सीधा देखते, यहाँ एक कुबेर टीला है जी। कुबेर टीला पे जटायु की बहुत बड़ी ब्रॉन्ज की मूर्ति लग चुकी है। वो करीब 15 फीट ऊंची है, 20 फीट चौड़ाई में है, और वह जटायु जी तो लग गए। अन्य 7 मंदिर भी वर्ष 2024 में जब मंदिर पूरा होगा तब तक पूरा हो जाएगा। अब सर एक सवाल, चूंकि ठंड बहुत थी, सुबह हम चाय की दुकान पर बैठे थे और एक महिला मिली। हम बार बार बता रहे हैं कि भगवान राम की दोनों मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित मतलब गर्भगृह में होंगी, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल ये है कि ये जो भगवान राम है जिनकी अस्थायी मंदिर में पूजा हो रही है, ये वाले भगवान राम कहाँ जाएंगे और जो नए वाले भगवान राम है वो कहाँ लगेंगे? पूरी श्रद्धा, पूरी धार्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए दोनों विराजित होंगे हमारे गर्भगृह में। एक अचल मूर्ति होगी जो कि खड़ी मूर्ति जो नई वाली है, जो नई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित हैं वह भगवान उसी सिंहासन में उनके समक्ष होंगे। और केवल एक दूसरे की समझ के लिए अचल मूर्ति को अचल मूर्ति समझा जाएगा, वो कहीं मूव नहीं करेगी, और अचल मूर्ति के ठीक सामने उत्सव मूर्ति होगी, जहाँ पूरे केवल रामलला ही नहीं, रामलला के साथ उनके भ्राता जो हैं वो भी वहाँ पे होंगे, हनुमान जी का भी स्वरूप जो वहाँ है वो भी होगा, शालिग्राम जी जो वहाँ रखे हुए हैं वो भी होंगे। तो इस प्रकार जो भी वहाँ है वह 21 तारीख तक ट्रस्ट उन भगवान को यहाँ लाने की व्यवस्था तो करेगा। ये जो उत्सव मूर्ति है जो अभी अस्थायी मंदिर में है, ये कब पहुँचेगी अपने घर में? उसी को मैंने कहा कि 21 जनवरी तक उसको यहाँ लाने की व्यवस्था करेगा। इसीलिए ट्रस्ट असमंजस में है कि संभवतः आरती होगी, उनकी पूजा होगी, लेकिन श्रद्धालु कदाचित 21 तारीख को उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से नए स्थान में विराजमान। रामलला के लिए श्रद्धालु जो एक दिन का तो त्याग कर ही सकते हैं। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख से सभी लोग इस रास्ते की बजाय इधर मुड़ेंगे, परकोटा में जाएंगे, परकोटा से नीचे चल करके और सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे और भगवान के मंदिर में। 23 तारीख से ये जाली वगैरह ये हट जाएगी, एंट्री इधर ही से होगी? जी जी बिल्कुल, 23 तारीख से यहाँ कुछ नहीं रुकावट होगी, केवल श्रद्धालु होंगे और उनके भगवान रामलला होंगे। तो जो सेकेंड फ्लोर का काम है, फर्स्ट फ्लोर का काम है, उसमें बाधा नहीं आएगी, दर्शन भी होता रहेगा? हम पूरा जो LNT है वो पूरी तरीके से इस प्रकार बैरिकेड कर रही है। हम इस समय जब वहाँ बैठते हैं आपस में तो 1 से 2 घंटे तक केवल यही चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सेफ्टी हो, किस प्रकार से किसी श्रद्धालु को एक जरा सी भी असुविधा नहीं हो, तो वह किया जा रहा है और वह सुनिश्चित किया जाएगा। अब सर एक सवाल ये लोगों के मन में भी है 22 तारीख को लेकर के, और चर्चा भी हुई कि अरुण योगीराज की मूर्ति सेलेक्ट हो गई, अगर आप कुछ बता सकें सर की मूर्ति के विषय में? मूर्ति के बारे में मैं केवल उतना ही बता सकता हूँ जितना हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी ने संभवतः 2 दिन पहले बयान दिया था। मैं समझता हूँ आने वाले 3-4 दिनों में ही ट्रस्ट इस निर्णय को घोषित कर सकेगा कि इनमें से कौन सी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, तीनों मूर्ति उसी प्रकार की निष्ठा, श्रद्धा
धार्मिक भाव के अनुसार यहाँ पर लिए जाएंगे और उनको ट्रस्ट स्वीकार करेगा और तीनों मूर्तिकारों को जो भी सम्मान धनराशि देनी है वह देगा। किसी प्रकार से यह भावना नहीं होगी कि किसी भी भगवान की मूर्ति को अस्वीकृत किया गया है। कृपा करके इसको स्पष्ट करें सबसे, तीनों मूर्ति स्वीकृत हैं, तीनों मूर्ति में से एक प्राण प्रतिष्ठा होगी, दो अन्य मूर्तियां हैं जिस पर कि आने वाले समय में ट्रस्ट निर्णय ले। अच्छा, उस पर अभी फैसला नहीं लेकिन रहेगी ट्रस्ट के पास? और निश्चित ट्रस्ट का फैसला हो गया कि हम उसको लेंगे, कहाँ पर कैसे उनको प्रतिष्ठित करेंगे यह विषय जो है ट्रस्ट के समक्ष। सर, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 8000 और लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कैसी व्यवस्था होगी? प्रधानमंत्री जी कहाँ रहेंगे? प्रधानमंत्री जी तो सीधे आएंगे, आकर के यहाँ पर वो एक तरीके से सामने तो नहीं, क्योंकि सामने तो गेस्ट लोग कुर्सियों पे बैठे, जहाँ हम खड़े यहाँ भी गेस्ट होंगे? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होंगे, अंदर ही होंगे, परकोटा के अंदर ही गेस्ट होंगे। अच्छा, साधु संत कुछ जो मंडप हैं उसमें होंगे, ठीक है, और जो शेष हैं वो नीचे कुर्सियाँ लगी होंगी वहाँ पर होंगे चारों तरफ उसके। और प्रधानमंत्री जी आ करके नॉर्दर्न गेट से जी, अभी तक हम लोग का अनुमान है कि प्रवेश करेंगे जी। अंत में क्या निर्णय होगा, या तो उनकी जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है वह करेगी और उसका हम अनुपालन करेंगे, लेकिन हम व्यवस्था यह कर रहे हैं कि नॉर्दर्न गेट से वो एंटर करके सीधे गर्भगृह में जाएंगे और गर्भगृह में जो कुछ भी वहाँ धार्मिक आवश्यकता है, अनुपालन है, अनुशासन का अनुपालन है वह करेंगे और उसके लगभग पूरी जो एक सेरेमनी कहना तो बहुत गलत होगा, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वह लगभग 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी वापस। मुझे याद है 2022 में एक बार मैंने आपका जब इंटरव्यू किया तो आपने कहा कि जब मैंने ही पूछा था कि जब प्रधानमंत्री जी मिलते हैं आपसे तो ये ज़रूर पूछते होंगे नृपेन जी कितना अभी काम हुआ, कितना बाकी है, अभी भी पूछते हैं क्या? जी, उनको पूरी जानकारी है। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि उनको जानकारी इतनी कैसे मिली है। किस तरह का सवाल करते हैं? उदाहरण के लिए जब मैं कुछ माह पहले मिलने गया था तो उन्होंने जानकारी चाही थी कि किस प्रकार के पत्थर में भगवान के जो स्कल्प्टर्स हैं वो कृति कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसे जांच की जा रही है, ये वो जानना चाहती थी। कुछ पत्थर उन्होंने देखे भी। अच्छा। और देख करके उन्होंने एक वो राय विशिष्ट इस प्रकार नहीं देते कि आपको यह करना है, लेकिन उन्होंने ये अवश्य कहा था कि भारतवर्ष का जो श्रद्धालु है, और भारतवर्ष में ही नहीं जो पूरे विदेश देश सभी जगह जो श्रद्धालु है, ऐसे श्रद्धालुओं को ऐसे भगवान चाहिए जो सरल लला हों, जो समचरण हों। और एक संकेत मात्र उन्होंने कहा था कि ऐसा आप नहीं प्रयास करिए कि मिसप्लेस्ड वाइट मार्बल पे ही उसकी सीमा मत डालिए, ये आप स्कल्पचर पे छोड़िए। और यदि श्यामल वर्ण के भगवान आते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में तो भी लिखा हुआ है, उचित होगा जी। संकेत मात्र था, वो आज बात सच हुई, लेकिन उनका संकेत ये अवश्य था कि यदि श्यामल वर्ण के भी भगवान राम बनते हैं और आपके सारे मापदंडों पर वो बिल्कुल उसके अनुकूल हैं तो आप उसको स्वीकार करें। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सुझाव के आधार पर? नहीं, प्रधानमंत्री जी इस निर्माण कार्य में कहीं पर भी उन्होंने दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों की उन्होंने जानकारी की, लेकिन कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया। एक तो उन्होंने हमें अच्छी तरह से उसका अनुपालन हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे
महान पुरुषों का आप मंदिर अवश्य बनाएं, जिनका भगवान से कहीं न कहीं मिलन हुआ था, जो एक प्रकार से सामाजिक समरसता, देश के समाज की समरसता को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा, उन्होंने यह कहा था कि इतने बड़े मंदिर में, जहाँ हजारों वर्ष की चर्चा चल रही है, उस मंदिर में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सको तो करना। तो क्या क्या हुआ? और उसमें टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख उपयोग उनका संकेत था, यदि ऐसा हो सके कि सूर्य की किरण गर्भगृह में आ सके, यानी जो शिखर होगा जहाँ झंडा लगा है, जी वो जो शिखर 161 फीट का होगा, उससे अगर गर्भगृह में सूर्य किरण आ सके और वो फिर रिफ्लेक्ट हो सके, और रिफ्लेक्ट हो करके रामनवमी के दिन वो माथे पर भगवान के 12 बजे दिन में यदि उसका किरण पड़े, तो टेक्नोलॉजिकली भी एक अपने में अनोखा प्रयास होगा, और जगहों पे कुछ जगहों पे हुआ है। जी जी। और राम की जन्म कथा से पूरी तरीके से, एक तरीके से जो करोड़ों की उम्मीद है कि राम लला रामनवमी के दिन हुए 12 बजे, और इस प्रकार का सूर्यवंशी थे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। ऐसे दो सुझाव तो विशिष्ट थे जी। बाकी में उन्होंने कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया कि उसे अवश्य करना है। वह स्वभाव से ही अपने को जानकारी भी रखते हैं, लेकिन डिस्टेंस भी रखते हैं, और ऐसा ही उन्होंने मंदिर के प्रति हमेशा जानकारी की कि कोई कठिनाई तो नहीं है, लेकिन यदि कोई कठिनाई नहीं है तो वो अपेक्षा करते हैं कि निर्माण का कार्य पूर्ण होगा। आखिर में चलते चलते सर, दो सवाल। एक, पूरा मंदिर, पूरा शिखर जब उस पर धर्म ध्वजा लहराएगी, वैसा मंदिर कब देख सकते हैं? 2024 दिसंबर में आप पूरे मंदिर को, सिर्फ जी एक वर्ष, आने वाले 11.5 महीने में आप यहाँ पर शिखर देखेंगे, मंदिर देखेंगे, परकोटा देखेंगे, 7 मंदिर देखेंगे। केवल जो कार्य उसके बाद होगा वह कॉम्प्लेक्स का होगा। जो कॉम्प्लेक्स है 71 एकड़, उसमें जो निर्माण कार्य हैं, ऑडिटोरियम है, ट्रस्ट के दफ्तर हैं, अन्य अनेक निर्माण कार्य हैं, वह तो होंगे, लेकिन जहाँ तक मंदिर का कार्य है वो 2024 में अवश्य पूर्ण करेंगे। चलिए आखिर सवाल सर, जिंदगी भर आपने ब्यूरोक्रेसी में समय गुजार दिया, और ब्यूरोक्रेसी के बाद घर में लोग आराम करते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से ना, मैं आपको लगातार फॉलो कर रहा हूँ, एक एक चीज़ की जानकारी लेना कि लोहा नहीं लगाना है, कि लोहा 100 साल में ख़त्म हो जाएगा, मंदिर 1000 साल रखने, हमारे जैसी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ जो है खप चुकी होंगी, लेकिन ये मंदिर वहाँ खड़ा होगा। तो ये जो रिटायरमेंट एज के बाद आप लगातार काम कर रहे हैं, ये इस अनुभव को बस लास्ट में शेयर कर दें सर। ये मुझे मालूम था, क्योंकि लगभग सभी लोग पूछते हैं, तो आप नई प्रश्न पूछते तो मुझे थोड़ा सा अभाव लगता। सही बात यह है कि यह कार्य प्रशासनिक अनुभव का नहीं है। सही बात यह है कि इसकी मेरे पूर्व कार्यों से कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यह अपने में दैविक है। इसको एकमात्र समर्पण की भावना, विश्वास माने, समर्पण की भावना से करना होगा, और यह समझ कर करना होगा। ऐसा हमको बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े देश के साधु साध्वी ने बताया है कि ये आप केवल इंस्ट्रूमेंट हैं फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ गॉड, फॉर द डिज़ायर एंड प्लान ऑफ द गॉड। डोंट थिंक you are doing it, you are just doing what he has ordained. So उसी भावना से कर रहा हूँ। देखिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निपेन जी, जिनके बारे में कह सकते हैं राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो फिलहाल रिटायरमेंट की एज है, लेकिन विश्राम नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं, दिन भर बैठ के करते हैं कार्यक्रम,
किस तरह होगा, मंदिर कैसे बनेगा, एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। और यही वजह है कि 2019 में फैसला आया, 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ, लेकिन मंदिर निर्माण में अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 1.5 साल, और 1.5 साल में मंदिर का लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सा बनकर तैयार है और 40% अगले 1 साल में तैयार हो जाएगा। तो बहुत बड़ा श्रेय भी है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी निपेन सर आपके लिए, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल एनडीटीवी के लिए राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रणवीर।